Hello everyone, hope you all are doing good and safe at your own place. So welcome back to my channel Beauty Tips. So if you are new to my channel then don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon for more updates. So आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ टिप्स जो कि आप अपने हैंड्स का केयर कैसे करें एंड अब जो हेयर होता है उसको रिमूव कैसे करें एंड हेयर रिमूव करने के बाद क्या क्या टिप्स होता है जो कि आपको जरूर फॉलो करना चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू द वीडियो. ओके सो फर्स्टली आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग दैट दिस पिक्चर आई हैव टेकन बिफोर रिमूविंग हेयर फ्रॉम माई हैंड. तो थोड़ा ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गया था, पता चल ही रहा होगा आपको. सो हो गया था एंड जो एल्बो के पास थोड़ा ब्लैक पैचेस दिख रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा टैन पड़ गए मेरे वहाँ, तो हेयर ग्रोथ होने के बाद काला ज़्यादा दिख रहा है. तो अभी देखते हैं कि मैंने क्या क्या अपने मतलब हैंड्स हेयर रिमूव करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ किए हैं एंड हेयर रिमूव करने के बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं. ओके सो डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं वीडियो में. ओके सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वीनस का रेजर टू रिमूव हेयर. सो फर्स्ट मैंने वेट कर लिया है अपने हैंड को, देन स्लोली स्लोली रेजर से रिमूव कर रही हूँ जो भी छोटे छोटे हेयर से, क्योंकि ये वाला जो रेजर है ना एक पिंक कलर का आता है छोटा सा एंड ये वाला जो है ये क्या करता है ना जो हेयर रूट से इस रिमूव करने में हेल्प करता है. सो मैंने क्या किया था ना, वेट कर लिया था अपने हैंड को हेयर रिमूव करने से पहले, क्योंकि अपने जो आप जब ड्राई हैंड से करते हो ना, गलती से भी अपने ड्राई हैंड में अगर रेजर चला लिया तो क्या कट भी आ सकता है, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था. सो मैंने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के कर लिया था तो वो गलती हो गया था मेरे से. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अपने हैंड को अच्छे से वेट करना है, देन आपको ये वाला रेजर यूज़ करना है टू रिमूव ऑल द हेयर. सो ये वाला रेजर अच्छे से जो भी हेयर होता है छोटे 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 से भी छोटे हेयर को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो हेयर रिमूव करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था. तो यहाँ पे ये पिक्चर है जो कि मैंने कम्प्लीटली हेयर रिमूव करने के बाद ले लिया था. तो हेयर रिमूव जब करते हैं ना तब भी थोड़ा बहुत लगता है कि अपना जो टैन था थोड़ा मतलब आधा रिमूव होने जैसा लगता है. तो या तो ये वाला था पिक्चर जो कि मैंने हेयर रिमूव करने के बाद लिया था. ओके सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेक ए स्क्रब विच हेल्प्स टू गेट ए इवन स्किन टोन, क्योंकि उसके बाद जो हेयर रिमूव करते हैं ना, हेयर रिमूव करने के बाद रेजर से पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स टाइप का होता है ना वो बन जाता है, क्योंकि वो जो पोर्स होता है जहाँ जहाँ से हेयर रिमूव ग्रोथ होना स्टार्ट होता है तो वहाँ वो जो पोर्स होता है वो कम्प्लीटली ओपन हो जाता है. अगर हम अपना जो हेयर रिमूव करने के बाद स्क्रब वगैरह नहीं करते हैं, मॉइस्चराइजर डेली अप्लाई नहीं करते तो वो बिल्कुल ब्लैक डॉट्स जैसा बन जाता है, स्ट्रॉबेरी जैसा बन जाता है अपने हैंड्स के अराउंड हर जगह, तो बहुत ही मतलब लुक बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है. तो इसके लिए मैंने स्क्रब बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है कॉफ़ी एंड उसके साथ मैंने यूज़ किया है शुगर, शुगर को थोड़ा क्रश कर लिया था, देन उसमें मैंने अप्लाई किया है ऐड किया है कोकोनट ऑयल. तो इस तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देन मैंने हैंड को थोड़ा सा वेट कर लिया था क्योंकि ये जो मिक्सचर था ये थोड़ा ड्राई था, तो जो वेट करने के बाद अच्छे से अप्लाई हो जाए. तो अच्छे से अप्लाई कर लिया था एंड वो जो स्क्रब शुगर का जो पार्टिकल्स होते हैं उससे अच्छे से धीरे धीरे अपने हैंड्स को रब कर रही हूँ. ओके सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 3 इंग्रेडिएंट्स, 1 इज़ कॉफ़ी, 2nd 1 इज़ शुगर एंड 3rd 1 इज़ द कोकोनट ऑयल. सो कॉफ़ी में क्या होता है ना, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि स्किन में इरिटेशन होता है, जलन होता है, इसको रिमूव करने में हेल्प करता है एंड जो भी डार्क स्पॉट्स होता है, जो भी टैन का मार्क होता है, जो भी हम कॉफ़ी को जब हम स्क्रब करते हैं, रब करते हैं अपने हैंड्स में, अपने स्किन पे, कहीं पे भी अगर हम रब करते हैं तो जो डार्क स्पॉट्स होता है, जो टैन का मार्क होता है, उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्राइटन द स्किन. सो एंड मुझे जो अच्छा लगता है कॉफ़ी के बारे में वो होता है कॉफ़ी का फ्रेगरेंस, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड सेकेंड थिंग इज़ शुगर. शुगर एज ए नेचुरल स्क्रब भी यूज़ किया जाता है क्योंकि उसका पार्टिकल्स अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा है आपके घर में शुगर, तो आप उसको क्रश करके छोटा छोटा बना सकते हो जो कि इसका पार्टिकल इवन होता है एंड जो भी डेड सेल्स होता है, जो भी डर्ट होता है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. सो आज दिस मिक्सचर कंटेंट्स कोकोनट ऑयल, सो देर इज़ नो नीड टू अप्लाई मॉइस्चराइजर आफ्टर दिस, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल होता है वो मॉइस्चराइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है. सो नाउ आई जस्ट वॉश्ड माई हैंड कम्प्लीटली आफ्टर अप्लाइंग दैट स्क्रब. सो आप देख सकते हो स्क्रीन में, क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स है ना वो वैसे ही मतलब स्किन में लगे हुए हैं. जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें मॉइस्चराइजिंग जो क्वालिटी होता है बहुत ही ज़्यादा होता है. तो बिना मॉइस्चराइजर अप्लाई किए हुए भी मेरा स्किन इतना मतलब मॉइस्चराइज फील कर रहा है.
तो या इस स्क्रब को अप्लाई करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड स्किन आपको कम्प्लीटली जो पार्टिकल्स टाइप का होता है ना रेजर यूज़ करने के बाद हेयर रिमूवल करने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं होगा, आई कैन गारंटी दैट। सो आपको ये वाला अप्लाई करना चाहिए। अब जब भी हेयर रिमूवल करते हो रिमूव करते हो तो ये वाला स्टेप जो होता है ना स्क्रबिंग करना या बिल्कुल भी नहीं बोलना आपको। सो वीडियो के अंत में मैं आपसे एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। तो आपको क्या करना है ना रोज़ अपने नहाने के बाद रोज़ अपने हैंड में और अपने लेग्स में मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट्स होता है कि वो जितना भी स्क्रब अप्लाई करे जितना भी पैक अप्लाई करे वो टैन मार्क रह ही जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि आप रेगुलरली मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन अप्लाई नहीं करते हो। तो आप अगर अप्लाई नहीं करके चले जाते हो बाहर तो क्या होता है ना वो जो सन का डायरेक्टली यूवी रेज आपके हैंड्स में आपके स्किन में आता है तो कम्प्लीटली डार्कन कर देता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक सन प्रोटेक्शन वाला बॉडी लोशन अपने मतलब हैंड्स में और लेग्स में जरूर अप्लाई करना चाहिए आफ्टर बाथ। सो एट दिस पॉइंट वी विल एंड आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।